कितना 30। और ये हमारे भी ठीक बगल में मालदा न्यू दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस स्पेशल गिर नई दिल्ली हम सफर क्लोन एक्सप्रेस स्पेशल। तो जिनका सीट है वही बैठेंगे, आप बैठ नहीं सकते भले आप फाइन देके बैठे, वो टीटी से बात कीजिए आप, उनको बोलिए बाय बाय पटना जंक्शन, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आसनसोल जंक्शन गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है पटना से हावड़ा, पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस जिसका गाड़ी नंबर है 02024। और ये पटना से सुबह 5:30 बजे खुलती है और आपको हावड़ा दोपहर के 1:30 बजे पहुंचाएगी। और ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करेगी 530 किलोमीटर 7 घंटा 55 मिनट में, और इसकी एवरेज स्पीड रहेगी 67 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेन पटना से हावड़ा पहुंचाएगी 7 घंटे 55 मिनट में। हमने बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, बाहर ये पटना जंक्शन सुबह का टाइम है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का काम भी हो रहा होगा। और अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। हमारी ट्रेन आएगी 5 नंबर पे, हमको 5 नंबर पे जाना है। 5 नंबर किधर है क्या पता। चलिए भाई 5 नंबर प्लेटफॉर्म के लास्ट में है, चलते हैं। और आज आपका भाई सेकेंड सीटिंग में जर्नी करने वाला है। इंडिकेट हो चुका है अपनी ट्रेन का 02024 5 नंबर पे 6 7 5। शायद अपनी गाड़ी लगी भी हुई है, हम देखते हैं। और आज की हमारी जर्नी है सेकंड सीटिंग में, हमारा पोस्ट नंबर है D4 पटना हावड़ा। ये रही हमारी ट्रेन लगी हुई है पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। और पुणे भागलपुर पास से निकल रही है अपना, हमारा क्या है देख लेते हैं भाई। ये रही अपनी ट्रेन पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। अब हम अपनी सीट देख लेते हैं कितनी नंबर है। तो ये रही अपनी कोच और ये रहा जनशताब्दी का इंटीरियर, 3x3 की सीट है और अपनी है 94 इस सर क्या नाम है ये वाली सीट। भाई जनशताब्दी में ये पहला ट्रैवल है मेरा, इसके पहले मैंने जो भी कवर किया है अब जनशताब्दी में पहला ट्रैवल है, वो भी पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस।
ठीक है भैया, चलते हैं अपने कोच की तरफ। ये आपको बताएंगे कोच की हालत कैसी है, साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। चलते अपने कोच की तरफ। मेरे जो सामने सीट है इसमें थोड़ा सा एक चीज़ तो है ही, ये है फुट रेस्ट। फुट रेस्ट के आप पैर रख के यहाँ पे आराम से चलते हैं। ये वाटर बॉटल होल्डर, ये ट्रे, आप इसमें रख के कुछ भी लैपटॉप पर कुछ ऑफिशियली काम कर सकते हैं अगर आपको कुछ करना है तो, वरना आप इसको ऐसे रख के इसको ऐसे टाइट कर दीजिए। और ये रहा विंडो साइड, और ये हमारी सामने पटना बबुआ भैया आराम खड़ी है स्पेशल। तो भैया पानी हो चुका है मेरा ख़त्म, रात से मैंने पानी पिया नहीं है, तो अभी चलते हैं पानी लेने के लिए। पहले ले लो बटर दो, कितना 30। तो भैया हमने लिया दो बॉटल, क्योंकि भाई सब जगह नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्टेशन के अलावा आपको रेल नहीं कहीं भी देखने को नहीं मिलता, इसीलिए मैंने दो बॉटल ले ली। और फिर बार बार लेने से अच्छे एक बार में ले के हम सेव कर लें, सबसे बेटर वही है। और ये मैंने रख दिया अपना वाटर होल्डर में, और एक बॉटल को हम रख देते हैं अपने बैग में, वही सबसे बेस्ट है। अगर आप प्लेटफॉर्म से, किसी प्लेटफॉर्म से अगर पानी की बॉटल लेते हो तो कोशिश कीजिए कि वो रेल नीरी हो, क्योंकि यही रेलवे अप्रूवल करता है प्लेटफॉर्म में बेचने के लिए, बाकी कोई दूसरा अप्रूवल नहीं करता। लेकिन काफ़ी दुकानदार ऐसे हैं कि उल्टा पुल्टा पानी भर के आपको वापस वही पिला देते हैं। तो मैं आपको एक सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिससे आपको पुराना या गंदा पानी आप पीने के लिए मजबूर नहीं होंगे। कैसे दिखाता हूँ। अगर आप पानी पीने के बाद बाटल को फेंकते हो तो कैसे फेंकना है मैं बताता हूँ। अब बाटल को ऐसे ऐसे फिटकाइए मत, फिटकाएंगे तो फिर खुला के वैसे के वैसे बनाते हैं। सबसे बेस्ट है ढक्कन को ऐसे दोनों हाथ से दबा के उसको ऐसे छोटा करके इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये ढक्कन ना तो बाहर निकलेगा ना वो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते तो ये बाटल आपका मिक्स यूज नहीं हो सकता। तो इसी बाटल में आपको दोबारा वो पानी नहीं पिला सकते। फिर उसके बाद आप इसको कैसे भी करके डाल सकते हैं। अब इसको हम डालेंगे डस्टबिन में। आप भी हर कचरे का सामान बिना इधर उधर फेंके डस्टबिन में ज़रूर डालिए। आप जितना साफ रखेंगे रेलवे को उतना साफ आपको मिलेगा। आप गंदा करेंगे तो लोग भी गंदा करेंगे, क्योंकि आप ही तो ट्रैवल करोगे इसमें, बाकी और कोई नहीं करेगा। बाकी साफ़ सफाई तो ठीक है, पर अभी पोछा वोछा कुछ ही मारा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ापन गंदा सा दिख रहा है, थोड़ा गंदापन सा दिख रहा है, क्योंकि साफ़ सफाई भी हुई नहीं है इसकी। पर इतना खास है नहीं, मैंने जितना सोचा था कि पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। सीट भी पुरानी पुरानी लग रही है, ऐसा लग रहा 10-20 साल पुराना सीट है, कुछ भी साफ़ सफाई का कुछ भी वो नहीं किया है। और हमको तो ये बोला जाता है कि स्टेशन जब प्लेटफॉर्म पर लगती है उसके पहले वार्ड में जाके सैनिटाइज किया जाता है, मुझे किसी भी एंगल से सैनिटाइजर दिख नहीं रहा। फिर भी अगर आप सीट पर बैठते हो तो बिल्कुल सैनिटाइज कर लीजिए। 50 रुपये का सैनिटाइज़र आता है, ज़िंदगी बड़ी नहीं है उससे, ज़िंदगी बहुत छोटी है 50 रुपये के सामने। अब आपको मैं आप इस जन शताब्दी का पटना हावड़ा जन शताब्दी का लोकोमोटिव दिखाता हूँ। चलिए राजगीर नई दिल्ली हम सफ़र क्लोन एक्सप्रेस स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर क्लोन एक्सप्रेस है, इसीलिए इसमें ज़्यादा कोचेस नहीं है क्लोन स्पेशल की वजह से। तो बहुत जल्द इसमें भी ट्रैवल करने वाले हैं, क्लोन है तो ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी करेंगे। अब आपको मैं पटना हावड़ा जन शताब्दी का लोकोमोटिव दिखाने की कोशिश करता हूँ। हावड़ा के वेब 7 के साथ चलती है पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस, और ये हमारे भी ठीक बगल में मालदा न्यू दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस स्पेशल आगे खड़ी हुई है 4 नंबर पे।
तो भैया हमने सैनिटाइजर कर लिया है अपना सीट, आप भी कर लिया कीजिए, क्योंकि कौन बैठता है नहीं बैठता है, किसको सिम्टम है नहीं है, बिना मास्क के तो बैठना ही नहीं है। अब अगर स्टेशन में भी प्रवेश करते हो तो बिना मास्क से कभी अंदर घुसना ही नहीं है आप, ये ज़िंदगी है तो सब कुछ है। टाइम हो रहा है 5:10:20 का, और टाइम लेते हैं फिर रवाना होंगे, फिर हम आपको वॉशरूम की कंडीशन दिखाएंगे। और बगल से न्यू फरक्का स्पेशल रवाना हो चुकी है 3 प्लेटफॉर्म से, सर 3 नहीं है 4। तो पटना वाले भाइयों नीचे कमेंट करना, एक्चुअली फर्स्ट टाइम है पटना में, मिस्टेक हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो तो मैनेज कर लेना। तो फाइनली पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस 5 प्लेटफॉर्म से रवाना हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है, रोशनीपन सा आ चुका है अपने पूरे एरिया में। बाय बाय पटना जंक्शन, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो भैया जब हम होटल से निकले थे तब अंधेरा था, और अभी उजाला हो गया, और इस रूट पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रूट में जाने के लिए। हो सकता है सारे प्लेटफॉर्म या सारे स्टेशन को मैं कवर ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेन स्टेशन को कवर करने की। तो अभी यहां से स्किप होगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो मैं आपको दिखाता हूं किस स्पीड में ये होता है। सकते हैं 60 की स्पीड के साथ राजेंद्र नगर टर्मिनल को क्रॉस किया है पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो हम आ चुके हैं पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस के वॉशरूम में, और मैं हूं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में, और मैं आपको दिखाता हूं वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। मिरर आप देख सकते हैं साफ है, बेसिन भी एकदम साफ है, पानी भी आ रहा है। नीचे का कंडीशन भी ठीक ठाक है, थोड़ा सा पानी लीकेज है और थोड़ा बदबू मार रहा है, लेकिन बदबू में थोड़ा काम करना चाहिए, थोड़ा हो सकता है फिनाइल वगैरह से अगर धुलाई हो जाए तो बदबू में ज़्यादा फायदा होगा। अब भैया एलएचबी की जो सफ़र है तो इसीलिए बेस्ट है ना, इतना आपको महसूस नहीं होता है। ICF में आप बैठोगे तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि गाड़ी कैसे चल रही है, लेकिन एलएचबी में एकदम मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है। मॉर्निंग व्यू देख रहे हैं आपको, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
सो गाइस हम पहुंच चुके हैं झाझा। यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट बिफोर आई है, इसलिए ट्रेन यहाँ 20 मिनट रुकेगी। और झाझा पड़ता है बिहार में जी, बिहार और झारखंड के बॉर्डर में। और इसके पहले की जितने भी स्टेशन है जो मुझसे स्किप हो गई हैं, उसका कारण यही है कि कल रात को मैं सोया नहीं था, जिसकी वजह से ट्रेन में चढ़ती मुझे नींद आ गई थी। नींद आने की वजह से मैंने इतने सारे प्लेटफॉर्म को स्किप कर दिया, और जब नींद खुली तब तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म स्किप हो चुकी थी, झाझा आ चुका था। तो झाझा आने के पहले मैंने चाय पी, उसके बाद आके मैंने ये शूटिंग करना स्टार्ट किया अप्रॉक्स एकदम टाइम पे। टाइम पे खुली है अप्रॉक्स 8:26 पे झाझा से। तो खींच नहीं पाएगा मेरे हाथ को, मोबाइल गेट पे बैठ के चलाते जा रहा, रोड तो है ही नहीं, हट से मार दे। सब का कीजिएगा वायरल, यूट्यूब पे जाएगा, छोड़ दीजिए सब आगे देखिए ना भी हो। और फिर जैसे जैसे कस्टमर या सस्ता बढ़ते रहेंगे फिर विदेश में भी जा सकते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जसीदी जंक्शन। यहाँ इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ ट्रेन पहुंची है 15 मिनट डिले, और जसीदी पड़ता है झारखंड में। बाय बाय जसीदी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई फायदा नहीं है, जिनका सीट है वही बैठेंगे। टिकट वाला इसका नाम है यहाँ पे? नहीं नहीं, जो जिनका सीट है वही बैठेंगे। आप बैठ नहीं सकते, भले आप फाइन देके बैठे, वो टीटी से बात कीजिए, आप उनको बोलिए। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मधुपुर जंक्शन। यहाँ इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ ट्रेन 7 मिनट डिले पहुंची है। और मधुपुर जंक्शन पड़ता है झारखंड में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं आसानसोल जंक्शन। यहाँ इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और ट्रेन अपने एकदम राइट टाइम पे आई है। और आसानसोल जंक्शन
पड़ता है वेस्ट बंगाल में, कह सकते हैं वेस्ट बंगाल का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। बाय बाय आसनसोल जंक्शन। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर, और जहां इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और ट्रेन अपने ठीक राइट टाइम पे पहुंचाई हमें, और दुर्गापुर पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और दुर्गापुर का आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम वर्धमान को स्किप करेंगे, दिखाएंगे कितनी रफ्तार में ये ट्रेन निकलती वर्धमान से, और उसके बाद डायरेक्ट हम हावड़ा आपको ले जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं हावड़ा जंक्शन, इस ट्रेन का लास्ट डेस्टिनेशन।
और एजुकेशन स्पेसिफिक बोर्ड है HWH, और यहाँ टोटल 24 प्लेटफॉर्म है, और ये इंडिया का सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म मतलब संख्या में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म गिनने वाला। हावड़ा से बाहर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हावड़ा से बाहर जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कोरोना के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, क्या जाँच वाँच कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम आपको हावड़ा से निकलते हुए बताएंगे, तो देखते रहिए। और एक ही बात कहना चाहूँगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। अब हम जाते हैं प्लेटफॉर्म के बाहर, आपको दिखाते हैं कि कैसा हाल है, क्या रिक्वायरमेंट है बाहर जाने के लिए, कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप देखते रहिए बस। तो ऐसा है कि अगर आप हावड़ा से बाहर निकलते हैं तो ना तो आपकी स्क्रीनिंग किया जाता है और ना ही आपसे कोई पूछताछ की जाएगी, हो सकता है टिकट वगैरह चेक होगा, बाकी आपको कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि आपको है कुछ सिम्टम है तो आप जांच करवा सकते हो, बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जांच करवाना ही है। तो हम चलते हैं इसके आगे और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद।